जैन दोस्तों, आज के दिन में हम आपको देंगे कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 रसायन शास्त्र का पेपर। दोस्तों, आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। दोस्तों, आपको इस पेपर का सोल्यूशन भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, पेपर को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, सही विकल्प चुनिए। दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प आने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला सही विकल्प देख लीजिए, 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का NTP पर आयतन होगा। तो कितना होगा ये आपको बताना है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों, इसमें आपका पास सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास दूसरे यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, शुद्ध जल की मोलरता है तो कितनी है आपको बताना है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पास बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास तीसरे यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, उच्चतम तरंग देर वाला विकिरण है तो कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसमें दोस्तों आप राइट आंसर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पास सी वाला, मतलब दोस्तों यहाँ पर रेडियो तरंग, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आपके पास चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, प्रबलतम आक्सी कारक है तो कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। दोस्तों, इसमें आपके पास ए वाला इसका राइट आंसर आएगा, F2 इसमें राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आपका यहाँ पर पाँचवें यहाँ पर सही विकल्प देख लिया, पूछा है निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है तो कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों, आपका यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, Al2O3 इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके यहाँ पर छठा यहाँ पर सर्कल देख लिया, पूछा है निम्न में से कौन सा अणु रेखीय है तो कौन सा अणु यहाँ पर रेखीय है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पास CO2 इसमें राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आपके पास सातवां यहाँ पर सर्कल देख लीजिए, लुइस अम्ल है। दोस्तों, लुइस अम्ल कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पास सी वाला SO3 इसमें राइट आंसर आ जाएगा, इससे आपके 7 नंबर यहाँ से सही विकल्प के कम्पेट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए, रिक्त स्थान भरिए। दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले। तो आपके यहाँ पर पहला खाली स्थान देख लीजिए, खाली स्थान को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं तो किसको कहते हैं, इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, ऑक्सीजन की परमाणुक त्रिज्या नाइट्रोजन से खाली स्थान होती है तो कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, न्यूनतम गलनांक वाली धातु खाली स्थान है तो कौन है दोस्तों, कौन सी धातु, ये आपको बताना है। इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर चौथे यहाँ पर दोस्तों पूछा है, दोस्तों चौथे पर खाली स्थान पूछा है, NH3 अणु की आकृति खाली स्थान है तो किस तरह की आकृति है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, पांचवें यहाँ पर खाली स्थान देख लीजिए, नाइट्रोजन अणु में खाली स्थान पाई बंद होते हैं तो कितने पाई बंद होते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों छठे यहाँ पर खाली स्थान देख लीजिए, यहाँ पर दिया दोस्तों QP = QV+, इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर देख लो दोस्तों, आपके पास सातवां दिया है, LCAO का पूर्ण नाम लिखिए तो इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी बनाइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों आपको ए दिया है, एक तरफ दोस्तों आपको बी दिया, तो आपको ए से बी का मिलान करना है। तो दोस्तों फटाफट इस सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर पहले में आपको पूछा है न्यूटन की खोज। दोस्तों, न्यूटन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो न्यूटन की खोज दोस्तों आपका यहाँ पर चेडविक का जाएगा। क्वांटम सिद्धांत में दोस्तों आपके यहाँ पर मैक्स प्लैंक का जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हेलोजन में दोस्तों आपके यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, और CH4 दोस्तों CH4 में आपके यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर sp3 संकरण आ जाएगा। दोस्तों CH4 में आपके यहाँ पर sp3 संकरण आ जाएगा। और सारी मृदा धातु, दोस्तों सारी मृदा धातु में आप लगा लीजिए, दोस्तों आपका इसमें आ जाएगा आपका कैल्शियम आ जाएगा। दोस्तों इसमें कैल्शियम आ जाएगा। और क्षार धातु, दोस्तों क्षार धातु में आप क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा पोटेशियम आ जाएगा। वो LCA यहाँ पर पूछा दोस्तों, HCl इसमें आपका दोस्तों द्रव गैस आ जाएगा। ठीक है, सो द्रव ही आ जाएगा। ठीक है, जिससे आपके 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक वाक्य अथवा एक शब्द में आपको उत्तर देना है। यहाँ पर पहला देख लीजिए, PPM पार्ट्स पर मिलियन का सूत्र लिखना है। यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, बंद लंबाई को मापने की इकाई लिखना है। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, एंटरवे की इकाई क्या है इसके आपके बारे में लिखना है। यहाँ पर चौथा देख लीजिए, ओस्टवर्ड का तनुता सूत्र लिखना है। यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, यहाँ पर चेटर सातवा, इनके उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आपके 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, मोल संकल्पना क्या है, अथवा यहाँ पर दिया है सीमांत अभिकारक क्या है। आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर पूछे जाने वाला है, जो 2-2 नंबर के आने वाले आपकी परीक्षा में, इनके उत्तर आपको यहाँ पर 30 शब्दों में लिखना है। दोस्तों आपका यहाँ पर छठा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यौगिक के मूलानुपाति सूत्र को परिभाषित कीजिए, अथवा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है तत्व का 1 ग्राम परमाणु क्या है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब यहां पर 7वां क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते, अतुया पर क्वेश्चन पूछा है ज्यादातर तत्वों का परमाणु भार प्रभाज में क्यों होता है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। दोस्तों आपके यहां पर 8वां क्वेश्चन पूछा है, अपबाहु सिद्धांत क्या है, अतवा क्वेश्चन दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। दोस्तों आपके यहां पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, पदार्थ की द्वितीय प्रकृति क्या है, अथवा क्वेश्चन पूछा है N+L नियम उदाहरण के साथ समझाइए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास 10 क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देख लीजिए, APCl2 और APCl3 में किसमें सहसंयोजी गुण अधिक होगा और क्यों, इसके बारे में आपको बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आप पूछा है आबंध प्रबलता को आबंध कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, लवण जल अपघटन क्या है, एक उदाहरण दीजिए, अतः क्वेश्चन पूछा है जल अपघटन की कोटि मात्रा क्या है समझाइए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, ओस्वाल्ड का तनुता नियम लिखिए, अतः क्वेश्चन पूछा है द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लिखिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, साम्य स्थिरांक KP व KC में संबंध स्थापित कीजिए, अतः यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है समयान प्रभाव क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लिए, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत उदाहरण के साथ समझाइए, अतः यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चय सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। अब दोस्तों आपके 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है आयरन से H2SO4 की क्रिया द्वारा H2 गैस निकलती है परंतु Ag से नहीं, क्यों, इसके बारे में आपको कारण के साथ इसको समझाना है। अतः क्वेश्चन देख लीजिए, हेस का नियम उदाहरण देकर समझाइए, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख लिख के याद कर लेना है। दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन अब देख लीजिए, गिब्ज मुक्त ऊर्जा क्या है, गिब्ज हेल्महोल्ट्ज़ से समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, अतः क्वेश्चन पूछा है ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम क्या है समझाइए। अब दोस्तों आपके पास 17वां क्वेश्चन देख लिए, जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का पूछे जाने वाला है, विश्व सिद्धांत उदाहरण देकर समझाइए, अतः क्वेश्चन पूछा है उत्पत्ति कीजिए, दोस्तों इस समीकरण की आपको उत्पत्ति करना है। दोस्तों आपके पास 18वां क्वेश्चन बदल गया, पूछा है परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का सविस्तार वर्णन कीजिए, अतः क्वेश्चन पूछा गया है बोर परमाणु मॉडल को विस्तार से समझाते हुए उसकी कमियां आपको लिखना है। दोस्तों आपके पास इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, दोस्तों यहाँ पर 19 क्वेश्चन, क्या किसी अभिक्रिया के लिए मानव मुक्त ऊर्जा का मान 0 हो सकता है, इसके लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा, अतः यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दोस्तों आपको ABCDE मतलब दोस्तों आपको 5 टॉपिक दिए गए, 5ों की आपको क्या करना है दोस्तों, इनकी परिभाषा लिखना है, ठीक है, इनको समझाना है, जिससे आपके 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के आंसर अच्छे से बता देता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन में 1 से लेकर 4 तक के आंसर देख लीजिए, आपको परीक्षा में भी सेम दोस्तों ऐसे ही लिखना है परीक्षा में, ठीक है, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 डाला है तो इसी तरह से आपको परीक्षा में लिखना होगा। दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, उसके आंसर यहाँ पर देख लीजिए, पहले में आपका सी वाला जाएगा 5.6 लीटर, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देख, दूसरे में आपका यहाँ पर 55.6 आ जाएगा, तीसरे में आपका रेडियो तरंग आ जाएगा, चौथे में आपका यहाँ पर F2 आ जाएगा, पाँच में आपका Al2O3 आ जाएगा, और छठे में आपका CO2 आ जाएगा,
जाएगा और साथ में आपका SO3 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 के आप उत्तर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, ठीक है, यहाँ पर गलती से लिखा गया दोस्तों, यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए इस क्वेश्चन में आपको खालिस्तान की पूर्ति करना था, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति दी गई है, ठीक है। यहाँ पर पहले में दोस्तों आपका यहाँ पर लेवो जी ए आ जाएगा, वो दूसरे में आपका दोस्तों यहाँ पर कम आ जाएगा, तीसरे में दोस्तों आपका CGM आ जाएगा, चौथे में दोस्तों आपका त्रिकोणी पिरामिड आ जाएगा, वो पांचवें दोस्तों 2 आ जाएगा, वो छठे में दोस्तों यहाँ पर DEL NRT आ जाएगा, और सातवें दोस्तों ये गलत है लीनियर, इसका आगे आप लिख लेना, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों सातवें का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, इसका पूरा यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, इसके आगे भी दोस्तों और है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ये गलती से लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर दोस्तों एक तरफ देख लीजिए आपका ए दिया है, एक तरफ दोस्तों आपको बी दिया है, तो आपको ए से बी का मिलान करना है, मतलब सही जोड़ का मिलान करना है, तो यहाँ पर सही जोड़ का मिलान दिया गया, अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, PPM का आपको सूत्र लिखना है, तो यहाँ पर PPM का यहाँ पर सूत्र दिया है, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर आंसर दिया है, तीसरे का यहाँ पर आंसर दिया है, चौथे का यहाँ पर आंसर दिया है, पांचवें का भी यहाँ पर आंसर दिया है, छठे का यहाँ पर आंसर दिया है, सातवें का यहाँ पर आंसर दिया है। तो दोस्तों मैंने आपका यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक आंसर बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों आपको सिर्फ इसका यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों, या आपको जो खालिस्तान का सातवां दोस्तों इसका यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।